अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू साइमा किचन। आज जो रेसिपी लाई हूँ उसका नाम है गुड वाले चावल। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो मेरे पास चावल है जो आधा घंटा मैंने पहले इसको भिगो दिया था। ये आधा ग्लास पानी है और ये जर्दा रंग थोड़े से पानी में मिक्स हुआ हुआ ये गिरी है मेरे पास। इस तरह मैंने स्लाइस में काट ली है। ये एक टेबल स्पून ये किशमिश है, ये चार छोटी इलायचियाँ हैं और ये दो खाने के चम्मच मेरे पास बादाम है छिलका उतार के। ये आधा किलो गुड़ है जो मैंने छोटे पीस कर लिए हैं। चले स्टार्ट करते हैं। ये मैंने देसी में पहले ही पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैं चावल बॉईल करूंगी। ये मैंने चावल इसमें डाल दिए। इसमें मैंने चावल डाल दिए। अब इसमें साथ ही मैं थोड़ा सा पानी में घोला हुआ जर्दा का रंग डाल दूंगी। ज़्यादा नहीं डालना आपने। अब इसको चावलों को हम बॉईल करेंगे। ये चावल हमारे बॉईल हो गए हैं। तीन हिस्सा चावल पक गए हैं। एक कन्नी मैंने आपको कहा था, एक कन्नी पे उतारेंगे। अब मैं इसका पानी ड्रेन करने लगी हूँ। अब हम गुड़ की तैयारी करते हैं। मैंने इसमें आधा ग्लास पानी जो आपको बताया था वो डालने लगी हूँ। ये हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे और ये हम इसमें गुड़ शामिल कर देंगे और इसको हल्की आंच पर इसको पिघलने देंगे। अब मैं छलनी की मदद से ये सारी चाशनी छान लूँगी ताकि जो मिट्टी वगैरह सारी वो, वैसे तो गुड़ साफ है, ये देखें इतना कचरा छानते इसीलिए ताकि जो कचरा वगैरह वो निकल जाए इसका। मैंने शीरा लहदा छान कर रख लिया है। अब मैंने देश के लिए है, इसमें हम आधा कप से भी कम ऑयल डालेंगे। ज़्यादा मत डालिए, ये बस इतना ही हम डालेंगे इसमें। और दो से तीन छोटी इलायची डाल दूंगी मैं और इसको थोड़ा हम कड़कड़ाने देंगे। अब मैं इसमें सारा गुड़ का शीरा डाल दूंगी। तो इसमें सारा गुड़ का शीरा डाल दिया। ये शीरा डालते ही मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। ये मैंने इसमें चावल डाल दिए। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, हल्के हाथ से चावल ना टूटे। मैंने चावल बॉईल करते वक्त दो चुटकी जर्दा रंग डाला था। अगर आप चाहें तो डाल लें वरना रहने दें। ये देखें चाशनी हमारी अभी तक पक रही है। इसमें हम मज़ीद अभी तक इसको पकाएंगे जितने ये चाशनी का पानी खुश्क ना हो जाए। ये देखें पानी खुश्क हो गया है चाशनी का। अब मैं इसमें ये किशमिश गिरी और बादाम डाल दूंगी। अब इसको मैं मिक्स करूंगी। आप चाहें तो चाशनी के साथ ही डाल दें। मैं इसी टाइम पे डालती हूँ जब चाशनी थोड़ी सी रह जाती है। अभी थोड़ा सा इसमें चाशनी का पानी है और मैंने ये सारे मेवे डाल दिए हैं इसमें। ये देखिए चाशनी का पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करके दम पर दूंगी। गुड़ वाले चावल रेडी हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा। अगली डिश के साथ मिलेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।